मध्य प्रदेश की एक महिला थाना प्रभारी नेताओं को जूते की नोक पर रखती है, ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि खुद टीआई मैडम बोल रही हैं। इतना ही नहीं, जब कोई फरियादी इनके पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचता है तब ये जूते से मारने की बात कहती हैं और धमकी देती हैं। टीआई मैडम का एक ऐसा ही कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो फरियादी से बदसलूकी कर रही है। तेरी नेताओं की ऐसी की तैसी, तू सुन ले अच्छे से और रिकॉर्ड भी कर ले, मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता राजनीतिक दबाव का। फालतू की बकवास न कर, तेरे बाप ने तुझे एक जूता मारा था, मेरे सामने आएगा तो मैं दो जूते मारूंगी। यह शब्द है रीवा जिले के चाकघाट थाना की टीआई उषा सिंह सोमवंशी के। टीआई उषा हमेशा अपने अभद्र आचरण के कारण चर्चा में रहती हैं। इन दिनों उनका एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है जिसमें वो फरियादी के साथ फोन पर अमर्यादित बातचीत करते हुए सुनाई दे रही हैं। तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी, सुन ले तू अब अच्छे से, रिकॉर्ड भी कर ले, है ना, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता ना राजनीतिक दबाव का, फालतू बकवास ना कर। दरअसल यह पूरा मामला चाकघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़री गांव का है। यहां पर रहने वाले अभय द्विवेदी का पारिवारिक विवाद चल रहा है। अभय का आरोप है कि बीते दिनों उनके चाचा ने उनके साथ मारपीट की थी जिसकी शिकायत करने वह चाकघाट थाने पहुंचा था। पीड़ित के मुताबिक थाने पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने उनकी फरियाद नहीं सुनी और थाने से वापस लौटा दिया। फरियादी लगातार दो दिनों तक थाने की चक्कर लगाता रहा लेकिन उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। इसके बाद थाना प्रभारी उषा सिंह सोमवंशी ने उनके मोबाइल पर फोन किया और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए बातचीत की। अब फरियादी ने पूरे मामले की शिकायत त्योतर SDOP से की है। पीड़ित का कहना है कि अगर उसकी शिकायत पर कार्यवाही नहीं की गई, तो वह कलेक्टर कार्यालय और SP कार्यालय पहुंचकर शिकायत करेगा और धरने पर बैठ जाएगा। दरअसल ये 3 दिन पहले का मारपीट का एक मामला है परिवारिक ही। मेरे चाचा द्वारा मारपीट गई थी तो मैं जिसकी कंप्लेन करने थाने पहुंचा हुआ था, रात में तकरीबन 11 बजे की बात है, तो वहाँ पे मेरी कंप्लेन लिखी नहीं गई। कुछ कॉन्स्टेबल्स वहाँ जो उपस्थित थे उनके द्वारा नॉर्मल NCR करा के और मेरा आधा अधूरा मेडिकल कराया गया, वो भी पूर्ण नहीं किया गया। उसके बाद मैं दूसरे दिन पुनः कंप्लेन करने के लिए सुबह जब पहुँचा तो TI मैडम से 2 मिनट के लिए मुलाकात हुई। TI मैडम ने अपने कॉन्स्टेबल को बोला कि आप कंप्लेन लिखो, लेकिन उसने कंप्लेन नहीं लिखी और मैडम ने भी सिर्फ मुझे सुनाने के लिए बोला, क्योंकि एक TI की बात तो कॉन्स्टेबल न माने ऐसा हो नहीं सकता है, सबसे ऊपर का अधिकारी होता है थाने का। फिर तीसरे दिन मैं वहाँ कोई आधा घंटा एक घंटे खड़ा रहा, कोई ध्यान नहीं दिया गया। तीसरे दिन फिर कंप्लेन करने अपने बीवी बच्चों के साथ गया हुआ था मैं, तभी मैडम नहीं मुझे नहीं मिली, वाहन बाहर था। और कुछ देर बाद शाम के वक्त मुझे फोन आया जिसमें मैंने फिर दरख्वास्त करी कि मैडम मेरी FIR लिखी जाए, तो मुझे अभद्र तरीके से गाली दी, जूता मारने की बात कही कि तुझे थाने आएगा तो जूते से मारूंगी और तू मर भी जाएगा तो तेरी कंप्लेन नहीं लिखूंगी। साथ में नेताओं को भी और साथ में जो राजनीतिक पार्टी, जबकि मैंने किसी नेता का ना कोई नाम लिया ना ये बोला नेता, पूरी बात की रिकॉर्डिंग भी निकाली जा सकती है तो पुलिस प्रशासन के पास राइट भी है, तो ये भी बोला कि मुझे किसी नेता से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, यही प्योर शब्द थे और तेरे नेताओं की ऐसी की तैसी। बता दें कि यह पहला मौका नहीं है जब चाकघाट थाना प्रभारी उषा सोमवंशी के खिलाफ अभद्रता करने की शिकायत आई हो। इससे पूर्व में भी थाना प्रभारी के कई वीडियो वायरल हो चुके हैं। एक बार जमीनी विवाद के मसले पर मौके पर पहुंची TI मैडम ने अमर्यादित भाषा का उपयोग किया था। इसके अलावा हाल ही में हुए बोरवेल हादसे में रेस्क्यू अभियान के दौरान भी रीवा लोकसभा प्रत्याशी नीलम मिश्रा से उषा सिंह सोमवंशी की नोकझोंक हुई थी। दोनों ही घटनाओं के वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुए थे। फिलहाल इस मामले में SDOP उदित मिश्रा ने शिकायत मिलने के बाद कहा कि फरियादी की शिकायत प्राप्त हुई है, वायरल वीडियो की जांच कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। ये आप लोग के मीडिया जगत के माध्यम से जानकारी मिली और उस मामले में जो फरियादी है वो अभी मेरे कार्यालय भी आया था, उसने अपनी व्यथा बताई है। कुछ पारिवारिक विवाद को लेकर के, उनके पारिवारिक इश्यूज़ को लेकर के उनमें वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। और जो ऑडियो की आप बात कर रहे हैं तो इस मामले को देखा जाएगा, इसकी तस्दीक की जाएगी कि उस मामले में किसकी बातचीत चल रही है और क्या हो रहा है, इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।